जानना चाहेंगे और आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम जनेंद्र बख्शी है, मैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन का कम्युनिकेशन हेड हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये किस तरह से वर्क कर रही है UHRF, कब से वर्क कर रही है और क्या वर्क कर रही है? यूनाइटेड ह्यूमन राइट फेडरेशन को आज काम करते करते जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है हम लोगों का, वो है फायर सेफ्टी। और हम लोग वैसे ह्यूमन राइट फेडरेशन जो ह्यूमन राइट्स के जो अपना जो राइट्स होते हैं ह्यूमन के, उसको अपहोल्ड करने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च मटेरियल और पब्लिकेशंस किए हैं। और उसमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि जैसे टेररिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड केयर है, ग्लोबल वेलनेस है, तो उसी रिसर्च के दौरान पिछले 4 साल से हम लोग फायर सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं। और फायर सेफ्टी में जो हमारा सबसे ज़्यादा वायोलेशन होता है, क्योंकि जो भी फ्लैट बायर्स होते हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता कि बिल्डिंग का रेगुलेशन क्या है। हमें स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा बहुत पता होता है कि हमें क्लीनिनेस रखना चाहिए, हमें स्टेयर केस बड़ा होना चाहिए, हमें फायर देखते ही तो हमको थोड़ा झुक जाना चाहिए ताकि स्मोक ऊपर जा रहा है तो हमें ऑक्सीजन मिले, ऐसा हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं। लेकिन एग्जैक्टली बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय में बिल्डर्स को और सरकार को परमिशन देने के पहले, म्यूनिसपैलिटी मतलब सरकार मतलब अथॉरिटीज एंड म्यूनिसपैलिटी को परमिशन देने के पहले, ये बहुत ध्यान से देखना रहता है कि भाई जो बिल्डिंग बन रही है वो बिल्डिंग जो है वो सेफ है कि नहीं। क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो हम करने लगते हैं डिज़ास्टर होने के बाद, लेकिन डिज़ास्टर हो ही ना, जो कहीं कई रिपोर्ट में कहा जाता है मैन मेड डिज़ास्टर है, जैसे कमला मिल कंपाउंड में बोल दिया मैन मेड है, क्योंकि परमिशन पे परमिशन दे रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, क्लटर बनते जा रहा है एकदम, एक के बाद एक चिपका चिपका के, कोई मतलब आग लग जाए तो कोई भाग भी नहीं सकता है। तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन ने रिसर्च करना शुरू किया। पिछले 4 साल 5 साल से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी आर्किटेक्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी हैं हमारे साथ, कुछ लॉयर्स हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉ में, कि एक जब प्लान अप्रूव्ड होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, कोई हाई राइज बिल्डिंग होती है, प्लान अप्रूव्ड होता है, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो उस पर हमने काफ़ी वॉल्यूम्स निकाले हैं। हमारा अभी जो लेटेस्ट वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नंबर 16 है, फ्यूमिंग आउट रिसोर्सेज अथॉरिटीज ब्लाइंड फोल्डेड। मतलब 1970 में जब पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसर्च शुरू किया था नेशनल बिल्डिंग कोड नाम का, जिसमें बॉम्बे में सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, उसमें आग लग जाए तो क्या होगा या पानी का मतलब, तो नेशनल बिल्डिंग कोड एक कोड का रिसर्च मतलब एक स्टडी शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इसको रेगुलेट कैसे करें, क्योंकि विदेशों में तो सारी बिल्डिंग रेगुलेटेड होती है, परमिशंस लेते हैं और पर्टिकुलरली फॉलो किया जाता नॉर्म्स, यहाँ पे तो बॉम्बे में तो देखिए लेफ्ट राइट सेंटर हाई राइज बिल्डिंग बनी जा रही है। तो 2006 में ये एक कोड बोल करके इसको इम्प्लीमेंट किया गया, एडवाइजरी था, और 2016 में खास तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि जब भी कोई परमिशन लेना तो एक गाइडलाइन है नेशनल बिल्डिंग कोड कि भाई ये चीज़ें कंपल्सरली इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको UHRF ने काफ़ी RTI डाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाला, जिससे कि उसको पता लगा कि भाई नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो फिर एक PIL डाला जिसमें अभी मार्च में हमने, और जिसमें हमें ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू रिस्पांस किया कि भाई नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो एक एडवाइजरी है, जिसको और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जिसको काफ़ी बिल्डर्स और स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो लास्ट ऑर्डर पास किया, वो उसने इशू रूल करके ऑर्डर पास किया ताकि सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनसे पूछा, उनको नोटिस दिया कि भाई आप बताओ आप नेशनल बिल्डिंग कोड क्यों नहीं फॉलो करते हो। अच्छा सर, तमाम इमारतें ऐसी हैं जो ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाती हैं जी, उसके लिए आप किस प्रकार से जो है कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो जान माल की क्षति होती है, उमूमन कोई भी मौसम होता है, लेकिन उसकी मतलब जो घटिया मटेरियल यूज होते हैं या परमिशन कम मिलेंगे बहुत ज्यादा मतलब इमारतें बन जाती है, उसके लिए आपकी निजी राय क्या है जिससे लोग बचे?
निजी राय नहीं है, बड़ी पब्लिक राय है, क्योंकि पब्लिक को देखिए, जब भी हम बिल्डिंग की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो बिल्डिंग वैसे तो बनती नहीं है, गवर्नमेंट परमिशन देती है, म्यूनिसपैलिटी परमिशन देती है, फायर ब्रिगेड परमिशन देता है, लेकिन एक फितरत है बिल्डर्स के बीच में, एक नक्शा तैयार होता है, वो नक्शा तैयार होने के बाद कितने बार आपने वेरीफाई किया कि उसी नक्शे के ऊपर बिल्डिंग बनी हो, ये हार्डली कभी देखा जाता है, क्योंकि बिल्डिंग बनते 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 नक्शे को चेंज करते 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 ऐसा हो जाता है कि भाई जो भी है एरिया उसको मैक्सिमम रेट में बेचो, उसको मतलब छोड़ो ही मत कोई भी कोना, चाहे वो कोना फायर सेफ्टी के लिए भी क्यों ना हो। जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड में रिफ्यूज एरिया नाम एक वर्ड है, रिफ्यूज एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स आर देयर, रिफ्यूज एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर सातवें महल्ले के बाद एक खाली जगह होनी चाहिए बिल्डिंग में। आप खुद के बिल्डिंग में आज जब चढ़ोगे, शाम में जब घर जाओगे तो देख लेना रिफ्यूज एरिया कहाँ है, अगर आग लग जाए वॉचमैन से पूछना कि अगर आग लग जाए तो मुझे कहाँ जाके खड़ा होना होगा ताकि मुझे रेस्क्यू कर ले। अभी क्रिस्टल टावर में क्या हुआ जी, उसके जब आग लग गई तब फिर फायर ब्रिगेड वाले बोले कि परमिशन नहीं है, ये नहीं है, कमला मिल में आग लग गई तब फिर पता चला परमिशन नहीं है। तो ये होता क्यों है, व्हाई इट हैपेंस लाइक दैट, क्यों नहीं फायर ब्रिगेड वाले जब कंप्लीशन होता है तो उसको सर्वे करें कि भाई जो नक्शा दिया था वैसी बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी है, कहाँ है फायर सेफ्टी की चीज़ें, है ना, स्प्रिंकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारे डिटेलिंग है जो कि आपको वॉल्यूम नंबर 16 में भी मिलेगा, उसमें हमने प्रिसाइसली डिटेलिंग की हुई है कि क्या क्या बेसिक है, बहुत ही ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम तो घर खरीद लेते हैं, अब कौन सी बिल्डिंग टाइमली डिलीवर होती है बायर को, हर बिल्डिंग में लेट होता ही है, क्योंकि वो रूल घुमाने के लिए वो टाइम बाई करते रहते हैं, बाद में बायर जो है डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई मुझे घर के अंदर जाना है, घर के अंदर जाना है, तो बगैर उस मतलब एनओसी लिए हुए वो घुस जाते हैं और रहने लगते हैं। अब रहने लग जाएंगे तो हमें भी लगता है कि यार मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। तो ये रिसर्च के दौरान जी, ऐसे कौन से इलाके आपके सामने हैं जिसमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स? बॉम्बे, बॉम्बे में कहाँ? बॉम्बे में, ऑल ओवर बॉम्बे, अगर आप देखें, अगर आप खुद आरटीआई डाल करके चेक करें तो 40% बिल्डिंग बॉम्बे में इल्लीगल है। आप खुद आज के बाद जब जाएंगे तो आप पूछना, सीढ़ी का साइज देखना, लिफ्ट का देखना, हर एक ओपन स्पेस जो रहना चाहिए वहाँ पे कुछ ना कुछ टेबल कुर्सी कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, जबकि वहाँ नहीं होना चाहिए, अगर आग लग जाएगा तो आदमी भागेगा कैसे। और कोई भी बिल्डिंग में अगर एट ए टाइम देखे तो 400-500 आदमी तो होते ही होंगे वेरियस फ्लोर्स पे, कमर्शियल या रेजिडेंशियल अगर देखें तो वहाँ पे अगर आग लगेगा तो फायर ब्रिगेड वाले भी जब तक वो क्रेन डालेंगे आपको लाएंगे तो कोई एक जगह स्पॉट तो पता हो, नहीं तो बिल्डिंग पूरी घिर जाएगी फायर ब्रिगेड से और कोई रेस्क्यू भी नहीं होगा। तो आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया अभी तक? हमने PIL डाला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है, ताकि नेशनल बिल्डिंग कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए सीरियसली। और नेशनल बिल्डिंग कोड में जो सबसे एक अहम पॉइंट है थर्ड पार्टी ऑडिट, रिकमेंडेशन के हिसाब से साल में 2 बार होना चाहिए, लेकिन फायर सेफ्टी में 1 बार भी अगर रिकमेंडेशन को फॉलो कर ले सारे सोसाइटी सारे बिल्डिंग वाले कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, ना सरकार का ना बिल्डर का, थर्ड पार्टी ऑडिट, जिससे कि ऑडिटर्स आए और वो चेक करें कि फायर सेफ्टी फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या कोई भी और भी अदर चीज़ें हैं जैसे वॉल कमज़ोर हो गई या सीपेज है, लीकेज है, क्योंकि सब जगह हम लोग देखते हैं अब आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग है, अब उसके अंदर आप कभी बाहर जाके देखे भी नहीं होगे कि उसमें पानी घुस रहा है कि नहीं, वहाँ से मॉइस्चर से स्पार्क होता है तो वहीं से आग लगती है, वो भी एक कारण है। तो ये ऑडिट में क्लियर करना होता है, मतलब ऑडिटर्स आकर के ऑडिट करते हैं, तो नेशनल बिल्डिंग कोड में सारी चीज़ें लिखी हुई लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने PIL डाला, मार्च में डाला, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू रूल करके नोटिस किया सारे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि इस चीज़ों को इन चीज़ों को एक्सपेडाइट किया जाए। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन, UHRF आप कह सकते हैं, क्षेत्रों में संस्था आपकी कार्य करती है? हमारा टेररिज्म में भी काम है, हमारा
चाइल्ड केयर पे भी है, और फिर एक हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल वेलनेस फाउंडेशन जो डायबिटीज़ पे काफ़ी काम करता है, और उसके ऊपर भी है हमारा। महाराष्ट्र में और कहाँ किन किन राज्यों में सक्रिय है? हमारा वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली है, बॉम्बे है जी, 5% जो है अनऑर्गेनाइज्ड जो बिल्डिंग्स जी काफी ज्यादा है। तो आप सिर्फ आपने पहला नाम मुंबई का लिया, मुंबई में आप 40% बोल रहे हैं, दिल्ली में 85% नहीं, तो ये एरा कैसे इसको ये मैं क्यों बोला बॉम्बे में, क्योंकि अभी हम बॉम्बे में बैठे हैं तो प्रोमिनेंटली बॉम्बे है। अगर वैसे देखा जाए तो कैलकाटा में भी है, बैंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में भी प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट है कि हमारा लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट वो भी वल्नरेबल है फायर सेफ्टी को लेकर के, है ना। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की, हमने वहाँ लिखा, हमने लोकसभा स्पीकर को भी लिखा कि भाई लोकसभा का क्या कंप्लायंस है, हम लोग इंतज़ार करें जवाब का, RTI डाला है हम कि उसके ऊपर हम लोग जवाब चाह रहे हैं उनसे, गवर्नमेंट से, कि भाई क्या है, तो लेट्स सी व्हाट दे रिस्पॉन्स। देखिए दोषी एक सीधे लाइन में अगर देखा जाए तो बिल्डिंग का जो परमिशन है, कहीं भी हिंदुस्तान में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो म्यूनिसपैलिटी और गवर्नमेंट से आप परमिशन लेते हैं, फायर ब्रिगेड से आप परमिशन लेते हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं। तो गलती तो अथॉरिटीज़ में है, कमी उनमें है कि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। घपला हो रहा है तो उसको मॉनिटर कौन करेगा, एक बायर तो मॉनिटर नहीं कर सकता, वो टेक्निकल तो होता नहीं बायर, तो अथॉरिटीज़ को ही मॉनिटर करनी है। अभी जैसे बॉम्बे में एक बहुत ही सपोजिटली टॉलेस्ट बिल्डिंग है पैले रॉय, जिसपे स्टॉप वर्क नोटिस दिया हुआ है, कोर्ट ने उसका काम रुकवाया हुआ है, उस बिल्डिंग में अगर आप इरेगुलरिटीज देखें तो भरी हुई है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, डबल मॉर्गेज है, रिफ्यूज एरिया का कोई ठिकाना नहीं, हर एक फ्लैट के बगल में रिफ्यूज एरिया बोल करके बनाया हुआ है। अब आप बताइए उस बिल्डिंग में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी उसमें कितने लोग रहेंगे, हर एक फ्लैट से अगर आग लगने पे लोगों को निकालने लगे जाए तो कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। आग लगने का टाइमिंग तो होता नहीं कि हमें पता है कि आज आग लगेगी, दैट्स कंसिडर्ड एज एन एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट इज ऑलवेज अ ह्यूमन केयरलेसनेस, सो वॉट इज ह्यूमन केयरलेसनेस, हु विल टेक केयर ऑफ दैट, तभी हम रूल और रेगुलेशंस बनाते हैं। आज उस बिल्डिंग का जो 44 से लेकर के 56 फ्लोर तक है वो कम्प्लीटली इलीगल है, वो बना दिया गया है विदाउट परमिशन। सो आज एक एक फ्लैट में से अगर आप सब लोगों को निकालेंगे तो इतनी ऊंची बिल्डिंग, कितने फायर ब्रिगेड्स लग जाएंगे और कितने लोगों को आप बचा पाएंगे, तभी वो रिफ्यूज एरिया का कॉन्सेप्ट है। बिल्डर कहते हैं कि हम हर एक फ्लैट के बाहर में रिफ्यूज एरिया बना करके दे रहे हैं, जो कि एक कॉमन साइकोलॉजी है कि अगर आगे जाके आज नहीं लेकिन 2 साल के बाद जब वहाँ लोग रहने लगे तो रिफ्यूज एरिया एक बालकनी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, उसको कौन रोकेगा। तो दैट्स व्हाई फायर सेफ्टी ऑडिट इज रिकमेंडेड इन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 कि आप हर एक साल अपने बिल्डिंग का ऑडिट कराइए कि फायर कंप्लायंस है कि नहीं। तो आपकी जो बुक है वो जैसे यूनिट 16 है, तो 1 to 16 इतनी पूरी मोटी बुक में आपने किस तरह से क्या समझाने की कोशिश की है, अगर किसी को इसकी जानकारी लेनी है जिस तरह से आपके बुक में दी गई है तो ये बुक उन्हें कहाँ से मिल सकती है? देखिए बुक हमारे वेबसाइट पे है, सारे वॉल्यूम्स हमने डाले हुए हैं, आप सोर्स कर सकते हैं वहाँ से, और प्लस ये जो हमने 1 to 16 निकाला है इसमें वेरियस लेवल पे हम इम्प्रोवाइज करते गए, क्योंकि रिसर्च चल ही रहा था 4 साल से, फिर हमारी कार्रवाई राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, PIL के थ्रू, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहते हैं फॉर ह्यूमन कॉज, ह्यूमन राइट्स, कि भाई आज कोई भी बायर है, जागरूकता तो हमें फैलानी ही पड़ेगी, तो वही जागरूकता फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आप एक UHRF इन्फॉर्म्स करके एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसमें हम शॉर्ट वीडियोज़ डाल रहे हैं, और उसमें हम प्रिसाइसली बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो सकता है फायर सेफ्टी को लेके, आज बायर्स को इनलाइटन करना पड़ेगा। तो इसमें वेरियस चैप्टर्स है, अगर आप देखेंगे ये जो किताब है फ्यूमिंग आउट रिसोर्सेज अथॉरिटीज ब्लाइंड फोल्डेड, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 20 चैप्टर है, और इस किताब के एंड में हमने अपील डाली है कि क्यों, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कहते हैं कि बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को अगर कोई नहीं फॉलो करेगा तो MCOC लगा देंगे, तो आज हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? उनको कहे हुए 5-6 महीना हो गया और क्रिस्टल टावर में आग लग गई है, तो आज थर्ड पार्टी ऑडिट को आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे जी। आज आप मीडिया से मुखातिब हैं जी, आप अकेले हैं जी, फिर आप हम पूरा हाँ आपके लोग पीछे जो है इस प्रकार के और कितने सोशल वर्कर हैं, दूसरी तरफ जो है शासन प्रशासन से आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लड़ाई बहुत कठिन है। देखिए, ये जितने भी वॉल्यूम्स हम बनाते हैं, ये जो रिसर्च मटेरियल हम क्यूरेट करते हैं, कंपाइल करते हैं, ये हम सारे डिग्निटरीज अथॉरिटीज़ को अबाउट 1000 लोगों को भेजते हैं, जिसमें हम जजेस को भी भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को लिखते हैं, और ये किताब एनेक्स करके हम भेजते हैं, और इसमें हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, है ना, और इसके पीछे हम ऑथेंटिकेट करते हैं हमारा रिसर्च वर्क जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आता है, चाहे PIL में जो हमने जो पिटीशन डाला है उसके थ्रू आता है, तो ये हमारी कोशिश चल रही है, क्योंकि ये एक दिन में चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अनलेस अंटिल गवर्नमेंट अगर नेशनल बिल्डिंग कोड को सीरियसली ले और इम्प्लीमेंट कर दे एकदम से, और जब बिल्डिंग बन जाती है और आग लग जाती है तो हम कंपनसेशन देने लगते हैं, तो वो हो ही क्यों, कंपनसेशन देने की नौबत आए ही क्यों, और क्यों हम ये कहें कि भाई हम 1,00,000 मुआवजा दे दिया, 2,00,000 मुआवजा दे दिया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स रुक जाएं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहले ही क्यों कॉशियस और कॉन्साइंस उनका नहीं जागता है, आज आग लग जाएगी तब फिर हम कंपनसेशन दे देंगे और बोलेंगे वाह 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 हमारे मंत्री ने और अथॉरिटीज ने बड़ा अच्छा काम किया। इंश्योरेंस हर कोई लेके चलता है, तो बिल्डिंग में क्यों नहीं हम एश्योरेंस देते, आज म्यूनिसिपैलिटी हमें क्यों नहीं एश्योरेंस देती कि हाँ भाई हर एक साल हमने इसका ऑडिट कराया है, उसको कंपलसरी कर दें, नेशनल बिल्डिंग कोड को थर्ड पार्टी ऑडिट को कंपलसरी कर दें, हमें खुद ही इरेगुलरिटीज पता लगने लग जाएगी। आज हम रोज हेलमेट पहन करके निकलते हैं ना, गिरने के बाद हेलमेट तो नहीं पहनने लगते, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, मैक्सिमम चीज़ें तो कवर हो गई हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये जो बिल्डर और गवर्नमेंट का जो नेक्सस चल रहा है, इसको अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अर्जेंसी आ गई, एसेंशियल हो गया है कि अब इसको फॉलो करें, है ना, इसको डिकोड करें, और हम चाहते हैं कि एक इंक्वायरी बैठे एज अ मॉडल बॉम्बे में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे मैंने पैले रॉयल का नाम लिया कि वहाँ पे क्या क्या ग्रॉस इरेगुलरिटीज और नेग्लिजेंस हो रहा है, वैसे ही सारे बिल्डिंग को गवर्नमेंट अपने तरफ से ऑडिट कराए या थर्ड पार्टी ऑडिट कराए कि भाई एज पर अप्रूव प्लान चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। इसलिए हमने इसमें एक टैगलाइन लिखा है, नीड टू एक्ट नाउ, नीड टू एक्ट फास्ट, नहीं तो ये जो है सारी बिल्डिंग्स जो हैं एक मतलब कहीं फायर बॉल ना बन जाए, क्योंकि हम को वो ट्रेनिंग नहीं है, हम आज जब बायर हैं हमको वो ट्रेनिंग नहीं, ये एश्योरेंस म्यूनिसिपैलिटी फायर ब्रिगेड और बिल्डर्स ने ही देना है, तो उसके लिए हमें हमारी यही गुजारिश है यूनाइटेड ह्यूमन राइट फेडरेशन के तरफ से कि प्लीज़ इस चीज़ को रोके, क्योंकि हमें पता नहीं लगता, आग रोज़ तो नहीं लगती है, रोज़ खबर में भी नहीं आती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे हर साल कम से कम 4,000-5,000 लोग मरते हैं फायर इंसिडेंसेस से, वो इम्पॉर्टेंट लाइफ है, तो लाइफ को संभालना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई ऑर्डर्स में और इसमें ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि बिल्डर का जितना इम्पॉर्टेंट है उतने ही वहाँ पे रहने वाले ह्यूमन की भी लाइफ और सेफ्टी का इम्पोर्टेंस है, तो आज हमें यही रिक्वेस्ट है कि सारे सरकार सारे गवर्नमेंट और सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। थैंक यू।